कनाडा ने यह दावा किया है कि उसने निजीर हत्याकांड मामले में 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने इसकी सूचना वहां पर भारत के हाई कमीशन में नहीं दी है, न ही काउंसुलर एक्सेस जैसी कोई भी बात सामने आई है। इस पर सवाल पूछे जाने पर यहां पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ये कहना है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये साफ किया कि इस मामले में कोई भी रेलिवेंट, कोई भी सही इन्फॉर्मेशन या सबूत भारत के साथ साझा अभी तक नहीं की गई है और इसलिए ऐसा लगता है कि इस मामले को प्री जज किया जा रहा है, पहले से ही इस पर मन बना के बैठे हैं। और इसके कारण ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, राजनीतिक हित जो है, वो साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। भारत ने ये भी कहा है कि बार बार हम कहते रहे कि वहाँ पर सेपरेटिस्ट जो हैं, अलगाववादी, चरमपंथी और जो हिंसा करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उनको एक पॉलिटिकल स्पेस दिया गया है, राजनीतिक जगह वहाँ पर कनाडा में दी गई है। हमारे जो राजनयिक हैं वहाँ पर, उनको खुलेआम धमकियाँ दी गई हैं, उनको उनका उनकी जिम्मेदारी निभाने से उनको रोका जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा, विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि हमने साफ साफ कैनेडियन अथॉरिटीज़ को उन सभी लोगों के बारे में जानकारी दी है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए हैं, उनके एक्सट्राडिशन की, उनको भारत भेजने की हमने मांग की है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ और इन लोगों को आराम से वहाँ घुसने की इजाज़त दी गई, वहाँ रहने की इजाज़त दी गई। जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हैं वो अभी तक पेंडिंग है और इस मामले में अभी राजनयिक तौर पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया है। तो एक मुश्किल स्थिति लगातार इस पूरे मसले पर बनी हुई है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।